ये बंद हो गया अपने आप। तो हम अभी जा रहे हैं ओवल देखने, रात को अभी टाइम हुआ है। अभी रात को हम जा रहे हैं जंगल में नाइट सफारी करने, और गाड़ी में पेट्रोल भी जो है ना सिग्नल दिखा रहा है। चला गया वो अंदर यार, ऐसे मतलब ऐसे स्पॉटिंग नहीं कर पाएंगे अपन। और मेरे को दिख गया बाकी इतना इतना, मैंने आईज देख ली, बिल्कुल सही बोल रहे थे। अगर इतना हो हल्ला होगा ना। हाँ ये हॉर्न मत बजाओ भैया, हॉर्न भी मत बजाओ और मेरी बात समझो। हाँ। मेरी तरफ देखो, मैं अगर ये इशारा कर रहा हूँ ना, इसका रुक जाओ, जहाँ हो वहाँ रुक जाओ, रुक जाओ, बंद कर दो। किल इंजन का इशारा होता है। चले आगे से। हाँ इतना मौका थोड़ी देगा यार। हाँ। तो आपने देखा ये हमको जो है ना यहाँ पे लियोपोर्ड दिख गया, और हमने इसको स्पॉट किया, टॉर्च लगाई, हमने देखा और भाग गया। हमको देख के हमारे किसी ने हॉर्न बजाया। तो हम अभी आगे जा रहे हैं, और आगे हमें पता चला है कि भालू है। आपको भालू भी दिखाते हैं। आप ये वाली ले लो, वो वाली ले लो उनसे, पतली वाली, नेहरू वाली है, बहुत बढ़िया। अच्छा कम्प्लीट है लियोपोर्ड देख के, तो हमें लगा कि टाइगर, लेकिन टाइगर नहीं था वो चीता था। और तो अभी यार हमारी हालत ही ख़राब हो गई है उसको देख के। ठीक है, इनके आगे की लाइट बहुत शानदार है शुक्ला जी, तो थोड़ा आप आगे ही रहो तो सामने फोकस अच्छा पड़ेगा। हरी भाई के पास है वो, तो पीछे ही चल रहा है। नहीं वो आगे चल रहा। नहीं आप पीछे चलो ना, अच्छा छोड़ना थोड़ी है, आ जाओ। डबल पेयर में भी चल सकते हैं। हाँ चलो, बहुत धीरे चल सकते हैं अपन, तो यहाँ से फिर हम जंगल की ओर निकल गए। पूरा घना जंगल है, तो फर्स्ट राइड हम लाइफ में, मेरी पहली बार राइड ऐसी हो रही है, और बहुत ही एडवेंचर हो रहा है। नाइट सफारी वो भी बाइक पे यार, मतलब क्या मज़ा है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। ने इशारा दे दिया रुकने के लिए, तो हमें स्पॉटेड हो गया है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई खरगोश है, और तो आसपास में भालू भी होगा यहाँ पे। तो अगर भालू हुआ तो हम आपको भालू भी दिखाते हैं। अगर इस जंगल में हमें गाड़ी से उतरने में इतना डर लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और कुछ लोग तो ऐसी पटरी है उनकी, तो पीछे ही हमारे पीछे भी, देखो ये भालू, ये रहा भालू, भालू ये रहा, हम लगा ना, ये देखो ये भालू, ये देखो ये भालू, ये देखो भालू स्पॉटेड हो गया यहाँ पे। और ये खरगोश को मेरे ख्याल में खाने आया था यहाँ पे,
खरगोश को पकड़ने आया था, ये रहा भालू। अरे बाप रे, कितना बड़ा भालू है यार। अरे भैया देखो तो ये भालू को देखो। अरे बाप रे, अरे यार हमारी फट गई यार। पहले लिपट देखा, फिर खरगोश, ये भालू, अरे पूरे जंगल में जो है ना हमारी वाट लग गई है यार। अरे बाप रे, तो अब तो सबको डर और लगने लगा है, क्योंकि हमारा जो स्टे है ना वो भी जंगल में ही है, तो हमें तो और डर लगने लग गया भैया। देखो भालू कैसे घूम रहा है। ये जो है ना, इसके साथ बच्चे भी हैं, तो यहाँ तो ये मेल होगा और एक फीमेल है, उसके 3-4 बच्चे साथ में हैं, तो वो भी देखते हैं क्या होता है। यह भालू देखो गया, गया भाग गया, अंधेरे में भाग गया वो पूरा। हाँ वो ये रहा, ये रहा, ये देखो। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक भालू है यार ये तो। भालू देखने के बाद सबकी वाट लग गई और सब डरे हुए हैं और सब बोल रहे हैं कि चलना है वापस, अब सीधे होटल में चलना है, और सब ऐसे डरे हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अभी कोई बात भी करने के लिए रेडी नहीं है और सब गाड़ी भगा के सीधे हम जा रहे हैं होटल। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब। लाओ चिप्स खिला दो यार, यही खाए। ये बढ़िया जगह, और क्या बुरी जगह। कुछ आवाज आ रही है। बंद करो गाड़ियाँ, लाइट बंद करो तो पता चलेगा, एकदम खामोश हो जाओ सब लोग। तो नाइट सफारी हम करके आ गए, तो कुछ एनिमल्स दिखे, छोटा रैबिट दिखा और बहुत मजा आया। तो ये मेरी लाइफ का पहला जो है ना एक्सपीरियंस यही है, नाइट सफारी का। सब सो रहे हैं, चलो अभी अपना टेंट बनाते हैं और सोते हैं। टेंट तो बना हुआ है, उसमें बिछाना है अपने को, खाना वाना खाते हैं।